समझ के करो, समझने का थोड़ा अर्थ कर देता हूँ, टाइम हो गया आपका, है ना। तीसरे नंबर का एक दृष्टांत ही दूंगा, ज्यादा तो नहीं दूंगा, बाकी आप लगाना। पर मैं तुझे सुख लगता हो तो तू तीसरे नंबर का नमस्कार नहीं कर सकता। पैसे में सुख लगता है तो तीसरे नंबर का नमस्कार नहीं कर सकता। कहावत सुनी होगी, मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह से बोलता है बीतरागा है नमस्कार, अंदर में लगता है पैसा खूब हो जाए, छोकरा ठीक रहे, व्यापार धंधा ठीक रहे, हे प्रभु बस हम दो, हमारे दो ही तो हैं और तो कोई है नहीं, सास ससुर तो है नहीं, उनकी वो जाने नहीं, हाँ बस प्रभु और ज्यादा कुछ नहीं। बोलो बोलो, अरे तू नमस्कार नहीं कर सकता। जिसे विषयों में सुख बुद्धि ना हो, आत्मा में सुख बुद्धि हो, वो तीसरे नंबर का नमस्कार करने में समर्थ है। ऐसे कर्ता में लगा लेना, कोई मेरा कर दे, पूजा पाठ मेरा कुछ कर दे, ये जो पूजा पाठ करी इससे मेरा कुछ हो जाएगा, भगवान कुछ कर देंगे, नमस्कार तीसरा नहीं कर पाओगे। भक्त हो भिखारी नहीं, भिक्षाग्राही नहीं हो, भिक्षाग्राही भी ऐसे ऐसे करता है, मैंने दो नंबर में तो भिखारी भी ऐसे ऐसे करता है, ऐसे करेगा नंबरी भूत होके पूछो मत। लेकिन ये पूजा मेरा कुछ नहीं कर सकती, पुण्य मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं पुण्य नहीं कर सकता, मैं इनका कर्ता नहीं हूँ, जगत में मैं कर्ता भोक्ता सब लगाते हैं, एक नंबर चार है ना, ये चार बुद्धि टूटने पर, कौन चार बुद्धि, एकद बुद्धि, ममद बुद्धि, कर्तद बुद्धि, भोक्तद बुद्धि, ये चार बुद्धि टूटे मैंने सच्ची समझ हो तब जाकर के तीसरे नंबर का नमस्कार होता है। बाकी चर्चा फिर
सोलह कारण पर्व के प्रतीक रूप 16 दिवस का उत्सव हम लोग कर रहे हैं। आज 16 में से कुछ दिन तो ऐसे हैं जो 10 लक्षण में समाहित हो जाते हैं, इसलिए ऐसे कुछ भावनाओं की चर्चा अभी नहीं करेंगे। उनकी चर्चा जब 10 लक्षण पर्व प्रारंभ होगा तब करेंगे। जैसे मान चलिए आज विनय संपन्नता का दिन है, तो मैं उत्तम मार्दव की चर्चा करूंगा, उस दिन वो चर्चा आएगी। तब त्याग, सील, इनकी चर्चा सब आने वाली है, तो मैं इनके क्रम में आगे पीछे करूंगा। परिणति में आगे पीछे नहीं होता, ये ध्यान रखना। वर्णन करने में आगे पीछे होता है, लेकिन अनुभूति में तो एक साथ इनका परिणमन होता है। हम लोग मुख्यतः प्रभावना अंग की रखेंगे हम आज की चर्चा में। क्यों रखूंगा कि इसका समाहरण दर्शन विशुद्धि में हो जाता है, तो मैं दर्शन विशुद्धि की चर्चा करूंगा, लेकिन प्रभावना उसमें आएगी। क्योंकि वात्सल्य के बाद आखिरी अंग कौन सा है? प्रभावना। दर्शन विशुद्धि के बिना प्रभावना नहीं होती, इसलिए हम दर्शन विशुद्धि की चर्चा करेंगे तो उसमें प्रभावना की भी चर्चा आएगी। आज हम दर्शन विशुद्धि की चर्चा पूरी करना चाहते हैं। समझ गए होंगे विषय बड़ा है, लेकिन मैं ऐसी सारी बातें जो आप पढ़ चुके हों, जो सुन चुके हों, उन्हें रिपीट करने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं आपको वे सारी बातें बताने की चेष्टा करूँगा जो मेरे अनुमान ज्ञान में है कि वो शायद आप में से कम लोग जानते हैं। जानते होंगे, मैं नहीं कह सकता हूँ कि नहीं जानते होंगे, लेकिन कम लोग जानते होंगे। तो समूह के दृष्टिकोण से मैं दर्शन विशुद्धि की चर्चा प्लस प्रभावना अंग की चर्चा मुख्यतः से करेंगे। सम्यक दर्शन की चर्चा अपन ने कल की थी, प्राप्त की ही, वेरी गुड, याद है आपको, प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। आज की सीधी सीधी चर्चा बिना समय खराब किए मैं उठा रहा हूँ। कारण के अनुसार कार्य होता है, कारण के अनुसार कार्य होता है। आपको यदि मैं कहूँ तो 16 कारण भावनाएं स्वाध्याय में से जन्मी हैं। दर्शन विशुद्धि का जन्म भी स्वाध्याय में से हुआ है। यदि मैं 16 कारण के नाम बताऊंगा तो वो स्वाध्याय में से जन्मे हैं। और इसीलिए आप गौर से देखना, गौर से 16 कारण में आप अपने विभाजन से अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि कम से कम अधिकांश भावनाएं ऐसी हैं जो स्वाध्याय को समर्पित हैं।
चाहे वो प्रवचन बत्सल भावना हो, चाहे अरहंत भक्ति हो, चाहे अभीक्षण ज्ञानोपयोग हो, ये सारे की सारे स्वाध्याय को प्रेरित है। स्वाध्याय का मतलब पढ़ना नहीं लेना, पढ़ना स्वाध्याय का सबसे प्राइमरी स्टेप है। पठन प्राइमरी स्टेप है, सबसे प्राइमरी, फर्स्ट एड, दैट इज नॉट मेडिसिन, क्योर, वो क्योर नहीं है, चिकित्सा नहीं है, वो प्राथमिकता है। चूंकि बात उठाई इसलिए एक मिनट में से समझाऊं मैं। जो लोग स्वाध्याय नहीं करते इसका मतलब उनके पास अभी फर्स्ट एड भी नहीं है, प्राथमिक चिकित्सा भी नहीं हुई उनकी। तो अभी ओहो, अपने बच्चों को पाठशाला जरूर पढ़ा, अपने आप पर एक उपकार करो। उत्तम त्याग के प्रकरण में सदा सुखदास जी ने लिखा है, त्याग में दान की चर्चा की गई है और दान में ज्ञान दान की चर्चा जब उन्होंने उठाई है तब उन्होंने की है, अपने आत्मा को और जगत के आत्माओं को ज्ञान का दान करो। पहले लिखा है अपने आत्मा को और समस्त आत्माओं को ज्ञान का दान करो। इस पर भी अभी ज्यादा नहीं बोलना है मुझे, स्वाध्याय पर समर्पित है सारी चर्चा, लेकिन पढ़ना अकेला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस समय ग्रंथ नहीं थे तब स्वाध्याय कैसे होती होगी ये सोचो। इस पर एक आध दिन समय मिलेगा तो ये घंटा चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर चर्चा है, अभी नहीं करना चाहता हूँ, अभी मैं दर्शन विशुद्धि प्लस प्रभावना अंग की चर्चा करना चाहती हूँ। स्वाध्याय करो उससे दर्शन कैसे होगा भैया, दर्शन विशुद्धि कैसे हो जाएगी स्वाध्याय में से, क्योंकि स्वाध्याय पॉइंट समझ नजर आ, स्वाध्याय का सार है कारण तत्व का परिचय। कारण के अनुसार कार्य होता है, कारण के बिना कार्य नहीं होता, जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। इसलिए सबसे पहले कारण का निर्णय करना चाहिए। कठिन तो नहीं लग रहा है, कारण समझो। अब मैं बच्चों को बात करता हूँ थोड़ा, आप लोग ही एंजॉय करना बच्चों के साथ, ठीक है। अपन दूध में शक्कर डालेंगे तो दूध खट्टा होगा कि कड़वा, मीठा, पक्का, गारंटी? देखो निसंग हो गए, कारण का निर्णय है ना, कारण का निर्णय, निसंग जवाब। अभी मैं इनसे और पूछता हूँ, अपन दूध में शक्कर डालेंगे तो दूध मीठा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, हैं? नहीं, मीठा भी हो सकता है, वैसे अपना पुण्य का उदय हो तो मीठा भी हो सकता है, और पाप का उदय हो तो कुछ और हो सकता है, पता नहीं क्या हो सकता है, हो सकता है क्या? ओहो, कारण का निर्णय करने पर निसंग हो गया, कारण का निर्णय करने पर निसंग हो गया। दूध में शक्कर डालने पर पाप का उदय तेरा तू जान, लेकिन वहां दूध मीठा ही, 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 ही। दूध मीठा भी तो नहीं ना। ओहो, जिसने शुद्धात्मा का निर्णय किया प्राप्त की ही प्राप्ति होती है, जिसने प्राप्त का निर्णय किया माने कारण, प्राप्त माने कारण, जिसने प्राप्त की ही प्राप्ति होती है, कल की बात थी, आज कह रहे हैं वो प्राप्त माने कारण, जिसने कारण का निर्णय किया उसे कार्य होता ही है। कई लोग हमसे ऐसा पूछते, पंडित जी हमने भगवान आत्मा जान लिया अब सम्यक दर्शन होगा कि नहीं? नहीं हुआ तो? मैंने कहा भैया रुक जा, तेरे को उत्तर मैं नहीं दूंगा, हमने दूध में शक्कर डाल दी और मीठा नहीं हुआ तो? अरे तो तूने कारण का निर्णय नहीं किया, कारण का निर्णय करने वाले को कार्य की शंका नहीं होती, इसका नाम निसंकित अंग है। निसंकित अंग, पहले अंग का नाम है निसंकित अंग, बोलो जरा कौन सा? हाँ, आज जो कोई अंग सुनाएगा आर्ट उसको क्या मिलेगा, मैं कह नहीं सकता, मिलेगा कुछ, तैयार रहना साहब,
पहला अंक का नाम है निसंकित। ओहो देखो मैं थोड़ा और विस्तार करूं, आज जी पाप कर रहा है उसे शंका नहीं, निसंक होकर के पाप कर रहा है, उसे ये नहीं लगता कि पाप कारण है और नरक कार्य है, पाप कारण है दुख कार्य है। हम दुख के बीज बोते हैं और फिर कल्पना करते हैं कि भगवान पारसनाथ कृपा करो, ऐसा कोई डॉक्टर है जो जहर पीने के बाद भी बचाता हुए, बोलो ऐसा कोई डॉक्टर है? एक फैमिली डॉक्टर रख लो आप सबसे बढ़िया, 1 करोड़ रुपए पर मंथ की सैलरी दो उसे, और अब उससे कहो मैंने तेरे ही भरोसे डॉक्टर साहब जहर जम के पी लिया। बोलो बोलो डॉक्टर क्या कहेगा? भैया तुम 1 करोड़ की सैलरी दे करके भी मैं कारण के खिलाफ काम नहीं कर सकता हूं। ओहो जगत में तेरा रक्षा कोई नहीं है, जगत में तेरा रक्षा कोई नहीं है, तेरी परिणति, तेरी निर्मल परिणति, तेरी श्रद्धा ही तेरी रक्षक है, हम उसके रक्षक नहीं है। लेकिन फिर से कहता हूँ, लोग अपराध करते जाते हैं और ये लगता है कि हम बच जाएंगे, कारण खोटा। करणानियों की श्रद्धा करा रहा हूँ, जो करणानियों का अभ्यास करते हुए निशंक हैं वो पाप करने वाले का फल बुरा है, धर्माचरण करने वाला का मोक्ष होता है निशंक। कभी ऐसा नहीं होता है कि हम धर्म सदाचरण और धर्माचरण करें और उसका फल बुरा आ जाए, कभी नहीं हो सकता। निशंक निशंक आहास। मैंने 4 अन्यों की पूरी चर्चा नहीं की यहाँ पर, क्योंकि ऐसे चर्चा करूंगा तो फिर तो 1 घंटा तो इसी में ही लग जाएगा, लेकिन शंका नहीं होती, मुझे ये कहना है। निशंक की सम्यक दृष्टि माने उसे शंका नहीं होती। ठीक आगे बढ़ जाऊं। ओहो जब शंका नहीं होती तो कांक्षा भी नहीं होती। निकांक्षित पहला कौन सा बोला था? निसंकित। दूसरा पहला दूसरा निकांक्षित याद रह जाएगा? आज तो छोटे बच्चे याद रख जाएंगे तो फिर इन्हें 100-100 रुपये देना चाहिए, क्योंकि एक तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे और इतने छोटे और ऊपर से 8 याद कर लेवे तो कमाल ही कर देवे। हाँ भाई 8 याद करना है आज, है ना 8 कम से कम 8। ठीक है पहला पॉइंट कौन सा था? निसंकी शंका नहीं है। दूध में शक्कर डालिए दूध मीठा ही होगा। अरे आत्मा में परमात्मा पना प्राप्त है, प्राप्त उसकी दृष्टि करने पर अब शंका नहीं है। तब तो ये भजन पढ़ते हो, अब हम अमर भये नाम मरेंगे, अब हम नहीं मरेंगे, चले बनासी दास फेर नहीं आव ना। काय के बल पर कहते होंगे? बोलो वो कारण के बल पर। आहा जिन्हें भगवान के द्वारा कहा गया उपदेश मुझे उसमें शंका नहीं है, आत्मा परमात्मा बनता है मुझे इसमें शंका नहीं है, अब मैंने आत्मा की पहचान की है अब मुझे शंका नहीं है, अब संसार सागर मेरा चुल्लू भर रह गया। श्रेणिक महाराज को खबर पड़ी समोसरण में कि नरक में जाना है, नरक में जाना है, प्रसन्न होकर हाथ जोड़ लिए, प्रसन्न होकर हाथ जोड़ लिए, प्रभु आपका दर्शन करने के बाद संसार सागर अनंत नहीं हो सकता, मैं नरक जाऊंगा मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब चुल्लू भर रह गया। पढ़ा हुआ आपने चुल्लुक प्रमाण, चुल्लुक प्रमाण, चुल्लू भर रह गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं। एक छोटा दृष्टांत, आप में से किसी ने अपराध नहीं किया हो और उसे कोई धमकी दे, हम पुलिस में बोल देंगे, थाने में बोल देंगे, हम क्या बोलते हैं हम बोले पुलिस को? बोलते बोलते हमें शंका, क्यों नहीं शंका? गलत काम करा हुआ है तो डर लगे। आहा कारण का निर्णय करने वाले को नरक का डर नहीं लगता, 4 गति का डर नहीं लगता। सम्यक दृष्टि को 4 गति रखने में असमर्थ है। क्या कह रहे हैं? साहूकार को जेल अपने पास रखने में, कौन सी जेल है जो निर्दोष को भी बंद करके रखे? कोई जेल नहीं है। अब मैं निरपराध हूं मुझे शंका नहीं है।
पहला पॉइंट हुआ निकांचित। निकांचित में भी कारण से चर्चा शुरू होगी, कारण का निर्णय होने पर कांछा नहीं होती। इधर से बोलता हूं, जिनको कांछा हो रही है उन्होंने कारण का निर्णय नहीं किया। कारण के निर्णय में कांछा नहीं टिकती, कांछा में कारण का निर्णय नहीं टिकता। दो तीन बार बोल दिया, एक ही दृष्टांत में काम हो जाएगा पूरा। हमने गिलास में दूध में शक्कर डाली, अभी कांछा करनी पड़ती किसी को, कांछा करनी पड़ती है, हे भगवान गॉड ब्लेस मी, क्या बोलते हैं, गॉड ब्लेस मी प्लीज। क्यों मुसलमान खुदा की याद करते हैं दूध में शक्कर डालने के बाद? नहीं करता हिंदू है कोई, तुमने देखा है कभी दूध में शक्कर डालने के बाद वो ऐसा कुछ हाथ जोड़ता हो, एक पुण्य की कामना करता हो, हे भगवान मीठा हो जाए, हे भगवान, ऐसा कुछ करता है? क्यों नहीं करता है? कांछा क्यों नहीं होती? कारण का निर्णय, दूध में शक्कर है तो कांछा करने की जरूरत नहीं। एक पॉइंट और दूध में शक्कर नहीं है तो कांछा करने से काम नहीं। दूध में शक्कर नहीं डाली तो कितनी भी कांछा कर दूध मीठा नहीं होगा, और दूध में शक्कर डाली है तो कांछा करने की जरूरत नहीं है। कठिन तो नहीं लग रहा? कांछा तो समझते हैं, डिमांड के लो, वांछा कहो, इच्छा कहो, और बोलो कुछ कुछ, एक्सपेक्टेशन कहो, जरूरत ही नहीं है। एक शादीशुदा महिला रोने लगी तो पति ने कहा, बोल क्या बात है, तेरा दुख दूर कर दूं, बोल मुझे सुहागन बना दो। मैं अभी तक सुहागन नहीं हो पाई। सुहागन नहीं हो पाई बता भैया, अब ये सुहागन कैसे बनाए? एक पति अपनी पत्नी को सुहागन कैसे बनाए? सुहागन बनाए कि मेंटल हॉस्पिटल ले जाए? अरे पति जिंदा है और तू कहते ही मेरे को सुहागन बनाओ। ऐसे ही हम कह रहे हैं आपको, ओहो जागता जीव आत्मा परमात्मा तत्व होने पर भी, और तू कहता है सम्यक दर्शन हो जाओ। पंडित जी सम्यक दर्शन तो होगा कि नहीं? हे भगवान आपकी पूजा रोज करती, बस सम्यक दर्शन हो जाए प्रभु, बस सम्यक दर्शन। एक बात कहूं मैं आपको, हमारे पंडित साहब ने बहुत सुंदर स्लोगन दिया है, मुझे तो बहुत ही प्रिय है वो, जैन मंदिर शिक्षालय है भिक्षालय नहीं। जैन मंदिर शिक्षालय, शिक्षालय शिक्षालय है, यहाँ पर सम्यक दर्शन की शिक्षा तो मिलती है लेकिन भिक्षा नहीं मिलती। यहाँ रत्नत्रय भी भीख में नहीं मिलते, और कुछ तो मिलता ही नहीं है, और कुछ तो भिक्षा में ले, यहाँ भिक्षा भिक्षार्थियों की जरूरत नहीं है, यहाँ भक्तों की जरूरत है। भक्त माने बेवकूफ नहीं, भक्त माने ब्लाइंड फॉलोअर नहीं, भक्त माने शिक्षा लेने के लिए समझदार है। समझ में आया? बहुत शांति सोचना। क्यों मैं आपसे एक बात पूछूं, लोक में डॉक्टरी भिक्षा में मिलती है, इंजीनियरिंग मिलती है भिक्षा में, रसोई बनाने का ज्ञान मिलता है भिक्षा में, मोटरसाइकिल चलाने का ज्ञान मिलता है भिक्षा में, दुनिया में ऐसा कौन सा ज्ञान है जो भिक्षा में मिलता है बोलो? भात तेने कभी भीख नहीं मांगी। हाय हाय दुख होता है देख करके, जैनी होकर के रोज मंदिर में आकर के, हे भगवान। वैसे तो आज का सम्यक दर्शन जैसी क्वालिटी की चीज कोई मांगता ही नहीं। इतनी टॉप क्वालिटी की चीज की याद ही नहीं आती। वो तो लिखा है, लिखा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चायत्राणी मोक्ष मार्ग, तो पढ़ता है वो, लिखा है कि सम्यक दर्शन आय नमः, सम्यक ज्ञान आय नमः, सम्यक चायत्राय नमः, ओम नमः ओम नमः ओम नमः, हो गई काम छुट्टी, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने बस छुट्टी। दारू समझते हो कि शराब समझते हो? आया समझ में आया? ओहो बीत रागी के भगवान के सामने तू राग की चीजें मांगता है, विषय कसाई की चीज मांगता है, ये तुझे शोभा नहीं देता। दूध की दुकान पर नहीं मांगना चाहिए, इतनी तो अक्कल है, इतनी अक्कल सड़क पर सब अक्कल है, बस मंदिर में आके डफर है, बस सड़क पर तो पूरी अक्कल है। वो लिखा रहता नहीं, दर्जी की दुकान, टेलर मास्टर की दुकान होती है टेलर, उसके यहाँ लिखा रहता है पैंट पैंट शर्ट स्पेशलिस्ट, कोट सूट स्पेशलिस्ट, ऐसे नहीं लिखा रहता, लेडीज स्पेशलिस्ट। अब लिखा है लेडीज स्पेशलिस्ट,
कोई आदमी जाता है वो? वहां तो नहीं जाता। अरे प्रभु यहाँ भगवान बनने का स्पेशलिस्ट है। यहाँ भगवान का स्पेशलिस्ट है, वितरागता का स्पेशलिस्ट है, सारी इच्छाओं के दमन का स्पेशलिस्ट है, और तू कहता प्रभु मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। ये तो तेरे अक्कल ही नहीं है, ये समझो अक्कल नहीं है। इसलिए मैंने कहा स्वाध्याय के बिना 16 कारण स्टार्ट ही नहीं होती। स्वाध्याय करे तो समझ में आए ये बात। अब तो ठीक है। ओहो, कांचा में भगवान नहीं बना जाता और भगवान को कांचा नहीं होती। पॉइंट बदलता हूँ थोड़ा सा पॉइंट। कांचा करने वाले कभी भगवान नहीं बन सकते हैं, और कांचा नहीं करने वाले जीव सहज ही बिना कांचा के भगवान बन जाते हैं। बिना कांचा के, बिना ही कांचा के। आपको कोई बारह भावना याद आ रही इस लाइन में? बिन याचे बिन चिंतय, बिन याचे और बिन चिंतय। याचे माने याचना, कांचा बिना याचना और कांचा के ही धर्म सकल सुख देन। धर्म माने आत्मा का स्वभाव, धर्म माने वस्तु का स्वभाव, धर्म माने आत्मा का स्वभाव। ओ तू आत्मा को समझता सही, ऑटोमेटिक भगवान बन जाएगा तू। मांगना नहीं पड़ेगा, दूध में शक्कर डालने के बाद डिमांड नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे ही आत्मा में परमात्मा का शक्ति रूप पड़ा हुआ है, तू उसका अनुभव कर, ऑटोमेटिक परमात्मा हो जाएगा। दो पॉइंट हो गए, निसंकेत निकांचित, अभी निर्विचिकित्सा। तीसरा निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा सुनो। विचिकित्सा मन होता है अरुचि, उपेक्षा, तिरस्कार, नहीं भाना, विचिकित्सा। और नी ये विसर्ग संधि है, नी ये विसर्ग संधि। निर्विचिकित्सा माने गिलानी नहीं करना, गिलानी नहीं करना। निर्विचिकित्सा माने गिलानी नहीं करना। अभी समझो चलो, पहले सरल दृष्टांत दूं, पहले क्यों फास्ट पढ़ाना ना, इसलिए दृष्टांत देने से काम जल्दी होगा। बोलो, अपना माँ का इकलौता बेटा, छोटा सा बेटा जन्म हुआ, छोटा सा बेटा, समझते हो? और मम्मी मंदिर गई तो उस बच्चे ने नंबर 2 किया और पूरा उलट पुलट समझ गए, और ऐसे कर लिया। इतना ही कर लिया। अभी अभी बोलो माँ क्या करे, माँ क्या करे, बोलो क्या करे? छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए? कायदे से तो एक काम करना चाहिए, एक झाड़ू लाना चाहिए, एक सूपा लाना चाहिए। ऐसा तो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? प्रश्न ये है, आहा प्रभु सुन, मल ही मलिन है, बेटा मलिन नहीं है। राग ही मलिन है, राग के चक्कर में भगवान आत्मा से घृणा नहीं करना। मोह ही मलिन है, पाप ही मलिन है, पुण्य ही मलिन है, भगवान आत्मा मलिन नहीं है, वो तो कारण परमात्मा है। कारण का निर्णय करो भैया, प्रवचन का मूल बिंदु क्या है? कारण का निर्णय करो। 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाने पर नहीं उठाएंगे ना? 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया, उठाओगे कि नहीं? नहीं उठाओगे, हंस रहे हैं सब तेरे ऊपर, तुम उठाओगे नहीं उठाओगे? मैं तो उठाऊंगा, तुम्हारा क्या इरादा है? अब बच्चे ही हैं, इन्हें क्या पता करोड़ किसे कहते। अरे 10 रुपए का रसगुल्ला गिर जाए तो कोई नहीं उठाएगा, लेकिन 1 करोड़ का हीरा गिर जाए और 25,000 का सूट पहने हो, क्योंकि आज मेरे भाई की शादी है, 25,000 का सूट पहने हुए क्या करोगे, क्या करोगे? और 4 फुट गहरी हुए क्या करोगे? उठाएंगे, अब आगे लाइन में। सुबह तक कहीं करोगे? ये दोस्त वगैरह सब चले जाए, नहीं तो हंसी उड़ाएंगे, इनकी चिंता करोगे? कुछ नहीं। जग जो कहे सो कह लो भैया,
चिंता नहीं करेंगे अब हम सहज भय ना रुलेंगे। जगत तो क्या हुई नगल हो गई, शर्म नहीं आ रही। तुम कहते रहो हम अपना चेतन हीरा निकालने के लिए कून पड़ेंगे। नव द्वार बहे खिनकारी, ऐसी गटन में भगवान हीरा पड़ा है, चेतन हीरा पड़ा है, निकालेंगे कि छोड़ेंगे। जगत तो हंसी उड़ाएगा, आलू तक नहीं खाते, रात को तक नहीं खाते, ओ हासा हासा। निर्विचिकित्सा, हमें गिलानी नहीं है, हमें गिलानी नहीं है। 1 करोड़ का हीरा पवित्र क्यों है? 1000 वर्ष से भी यदि गटर में पड़ा हो तो भी पवित्र क्यों है? उत्तर क्यों क्यों? क्योंकि मल का कारण तत्व में प्रवेश वर्जित है। मलिनता का प्रवेश वर्जित है। प्रवेश वर्जित समझ गए? एक्सटर्नल मटेरियल कांट एंटर। अब तो समझ में आया कि नहीं? अंतर घुस ही नहीं सकता। आहा, बहुदेह मेली सुगुण थैली, ए देह मेरे सुगुण में, सुगुण थैली में, द्रव स्वभाव में कारण परमात्मा एंटर नहीं करती, इसलिए बहुदेह मेली। लेकिन भगवान आत्मा हमेशा मल पवित्र है। मोह राग देश, ध्यान रखना। निर्विचिकित्सा में ये मत सोचना कि बच्चे की गंदगी से भी गिलानी नहीं करेगा। बच्चे की गंदगी तो गिलानी करने लायक है, लेकिन बच्चा गिलानी करके फेंकने लायक नहीं है। ऐसे ही मोह राग देश तो गिलानी करने लायक है, मोह राग देश तो है दूर करने लायक है, प्रेम करने लायक नहीं है, लेकिन मोह राग देश के चक्कर में भगवान आत्मा छोड़ने लायक नहीं। मलिनता दूर करने लायक है, बालक की मलिनता दूर करने लायक है, बालक दूर करने लायक नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा कारण परमात्मा ध्रुव एक क्षण भी अपनी दृष्टि से दूर करने लायक नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिकल करूं कि हम लोगों में से बहुत सारे लोग मोह राग देश को देखकर शुद्धात्मा से घृणा करने लगते हैं। कैसे करते हैं तो बताऊं एकाध एग्जाम्पल। कभी आप सामयिक करते हो और समझ लो कि मोह राग देश जानने में आए, विकल्प जानने में आए, खोटे भाव जानने में आए, तो आप सबसे पहले ये नहीं कहते कि मोह खराब है। आपको क्या लगता है